कल उर्स ऐसी फख्रुल मशायख बानी तहरीके पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह दे अज़ीम साथी मुहद्दिस अलीपुरी हजरत अलहाज अलहाफिज अल्लामा पीर सैयद जमात अली शाह साहेब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत जिन्हां दा किरदार ये है कि सारी जिंदगी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पढ़द्या पढ़ाद्या गुजरी। तहरीक पाकिस्तान वास्ते सफ़े अव्वल के अंदर इस कदर किरदार अदा फरमाया कि उस दौर के अंदर जिस दौर के अंदर एक रुपए की बहुत बहुत बड़ी वैल्यू ऐसी उस दौर के अंदर कायद आज़म मुहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह नू 8 लाख रुपया पाकिस्तान की तहरीक वास्ते पेश फरमाया उस दौर के अंदर और जगह जगह ते जलसे फरमा के कायद आज़म मुहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह दे नाल मुस्लिम लीग नू क्योंकि दो पार्टियां सन उस वक्त कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग नू वोट देन वास्ते पी सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा फरमाया और तहरीके पाकिस्तान और आज़ादी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बनाने के अंदर सफ़े अव्वल का किरदार अदा फरमाया। तो कल रात नारोवाल जड़ी गुजरी साढ़े मोहतरम दोस्त ने मोहतरम सकलैन अब्बास साहब एईओ महकमा एजुकेशन के अंदर ऑफिसर ने ओ दो चार और साथी असा हाजिर हुए तो बड़ी रौनक देखी बड़ा रश देखा। तो रश क्यों ऐसी मैं अज इस मौजूदा इंतखाब ही इस वास्ते कीता है जेड़ा मुस्तफा दा हो जाए फिर अल्लाह भी उसका हो जाता है और अल्लाह की मखलूक भी उसकी हो जाती है और जेड़ा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नहीं चंद दिन वास्ते तो वह ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार लेगा लेकिन फिर जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी उसका मुकद्दर होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद दे तीसरे पारे सूरह आले इमरान के अंदर इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा। फरमाया महबूब प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दे अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा ए अल्लाह तू मुल्कां दा हाकिम है तू सारिया मुल्कां दा बादशाह है तुअतिल मुल्क मन तशा तू जिसनू चावें सल्तनत अता फरमा दे जिसनू चावें मुल्क अता फरमा दे मुल्कां दी हुक्मरानी अता फरमा देवें बादशाही अता फरमा देवें। फिर अल्लाह इरशाद फरमा दे व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा जिस दे कोलों चावे तू मुल्कां दी बादशाही वापस छीन लवे उसनू जलीलो रुसवा कर देवे हुक्मरानी वापस ले लेवे। अल्लाह इरशाद फरमा दे व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा अल्लाह जिसनू चावे इज्जत देवे जिसनू चावे दिल्लत देवे। फरमाया बिया दी कल मेरा अल्लाह इरशाद फरमांदा है सारियां भलाइयां सारियां खैर सारे अमन सारियां खैरां सारियां भलाइयां सारियां खुशहालियां सारियां इज्जतां सारे मुकद्दर अच्छे ए अल्लाह दे दस्ते कुदरत दे अंदर ने। अल्लाह इरशाद फरमांदा है इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर
अल्लाह फरमाते हैं इन्नका अला कुल्ली शयइन कदीर, बेशक हर चीज अल्लाह दी कुदरत दे अंदर है, अल्लाह हर चीज ते कादर है। अल्लाह फरमाते हैं इज्जत देण वाला मैं अल्लाह, इज्जत देण वाला जिल्लत देण वाला। बड़े बड़े बंदे वेखे ने इज्जत दी पीक ते हुंदे ने, लेकिन अल्लाह जदों जिल्लत देना जावे मिंट भी नहीं लगदा। बड़े बंदे देखे ने गदागर हुंदे ने, मंगदे फिरदे हुंदे ने, लेकिन अल्लाह जदों उन्हां नूं बादशाह बनाना चाहे मिंट भी नहीं लगदा। अल्लाह फरमांदा इज्जत देण वाला भी मैं, जिल्लत देण वाला भी मैं, बादशाही देण वाला भी मैं, बादशाही वापस लैण वाला भी मैं। फरमाया सब कुछ क्यों है कि इन्नका अला कुल्ली शयइन कदीर। अल्लाह फरमांदा मैं हर चीज से, बोलिए हर चीज से, हर चीज से कौन कादर है? एक केदी जात, बस अल्लाह दी केदी जात, तियां देन वाली केदी जात, पुत्र देन वाली, शफा देन वाली, बीमारी देन वाली, बिनाई देन वाली, बिनाई वापस लेन वाली केदी जात है? ओ अल्लाह जेड़ा मुल्कां दा हाकिम, ओ अल्लाह जेड़ा इज्जतां देन वाला, इज्जतां वापस लेन वाला, मुल्क देन वाला, मुल्क वापस लेन वाला। ओ मेरा रब, कुराने मजीद बुरखाने रशीद दे अंदर एक मकाम ते सूरह दुहा दे अंदर इरशाद फरमांदा है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, सोनिया तेरे मुखड़े दी कसम, तेरी जुल्फे अंबरी दी कसम, ए जुल्फ़े अंबरी दी कसम। इंज लगता है जदों सामने आंदियां ने काली रात छा गई, जुल्फ़े अंबरी दी कसम। फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। फरमाया सोनिया परेशान ना हो, ए मुनाफिक बेईमान जड़े कहंदे ने नबी ते वही नहीं आंदी, नबी अलैहि सलाम ते वही नहीं आंदी, परेशान करना चाहते ने कि रब नबी नाल नाराज हो गया। फरमाया ना ना सोनिया, तेरा रब तेरे नाल नाराज नहीं होया, बल्कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सोनिया सड़न वाले सड़दे रहंदे ने, जिन्होंने जैलसपन का इजहार करना है वह जुलसते रहंदे ने, लेकिन तेरे रब दा तेरे नाल इक वादा है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सोनिया तेरी आन वाली हर घड़ी पहली गुजरी घड़ी नालों ज्यादा बेहतर होवेगी, आने वाली हर घड़ी पहली घड़ी नालों। ये टिल लालन मक्के दे बेईमान, इस वास्ते मैं कहना परेशान ना होया करो, जदों कोई तुहाडी इज्जत उछाले सपुरद मालिक दे अपना मामला कर दिता करो। जदों कोई परेशान करना चाहे किसी नूं ना आखो या अल्लाह तेरी मखलूक हाँ, तेरे नबी दी उम्मती, तू ही पैदा करन वाला, इज्जत भी तू तू ही देना है। या अल्लाह ये बंदा मेरी इज्जत खराब करदा है, मालिक मैं अपना मामला तेरे सपुरद करदा। अल्लाह फरमांदा है जेड़ा मामला मेरे सपुरद कर देंदा है फिर मैं अच्छे फैसले फरमाना, फिर मैं ओ अल्लाह इरशाद फरमांदा है, फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। सोनिया मक्के दे बेईमान तैनूं परेशान कर देने कि रब अपने महबूब नाल नाराज हो गया। ना ना सोनिया, ना सी तेरे नाल नाराज होए आ, असा तेरे नाल नाराज नहीं होए, तेरी हर आन वाली घड़ी पहली घड़ी नालों बेहतर होवेगी। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, सोनिया तू परेशान क्यों होना है, तेनू इन्ना देंगे इन्ना देंगे इन्ना देंगे कि तू राजी हो जाएगा, तेनू इन्ना देंगे कि तू, तेनू इन्ना देंगे कि तू। ए मक्के दे बई मानचूड़े चमार, ए मुनाफिक, मुसलमानों नू परेशान करन वाले, मुसलमानों की इज्जतां दे डाकू,
मुसलमानां दे माल दे डाकू मुनाफिक बेईमान शुरू तो टुरे आंदे ने जिहड़े लोगां दी इज्जतां ते हमले करदे ने। मेरा रब फरमांदे सोणिया परेशान नहीं होना, इस्लाम भी थले नहीं आना, तेरा मकाम भी थले नहीं आना, इस्लाम भी बुलंद है तेरी शान भी बुलंद, इस्लाम भी बुलंद तेरी शान भी। की फरमाए वाला सौफ युती का रब्बो का महबूबा तेन इन्ना देंगे इन्ना देंगे इन्ना देंगे कि तू बोलिए। सवाल पैदा होंदा है अज हजरत मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा कल उर्से पाक सी, इन्नी दुनिया क्यों गई, किधरे नमाज पढ़ी जा रही, किधरे कुरान पढ़िया जा रहा है, कुरान दी तिलावत, कोई तस्बीह लेके बैठा है, कोई फातिहा शरीफ कर रहा है। मुहद्दिस अलीपुरी ने उन्होंने किराया नहीं दिता। असी कहें 13-14 हज़ार रुपए का पेट्रोल खर्च होया, सानू नहीं उन्होंने दिता कि जनाब आ जाओ किराया साढ़े को ले लेना। क्यों गए हैं? क्योंकि रब इरशाद फरमांदा है जेड़ा नबी दा हो जाए फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जेड़ा मेरा जिक्र करदा है मैं ओदे चर्चे कर देना, जेड़ा मेरा जिक्र करदा है फिर मैं, फिर वो कबर दे अंदर भी पहुंच जाए। 1951 दे अंदर आप दा विसाल होया, कबर दे अंदर पहुंच गए लेकिन चर्चे अज भी जिंदा ने, चर्चे आए आए। अल्लाह फरमांदा है जेड़ा मेरे महबूब दा हो जाए मैं बोलिए मैं उसका हो जाना, जेड़ा मेरे महबूब नु चाहे तो मेरा महबूब भी उसका हो जाता है और मैं भी उसका हो जाना, तो जेदा रब हो जाए उसके महबूब हो जाए उसकी बिगड़ी बन जाती है। और तवज्जो करना, मैं इख्तिसार नाल बहुत सारिया चीज़ा टाइम की किल्लत की वजह तो छोड़ रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे चाण नल की कुछ हुंदा है, की कुछ हुंदा है चाण नल। अच्छा मैं एक मिसाल दिना, साडे लोग वक्त दे एमपीए नल प्यार करदे ने, उहदी आओ भगत करदे ने, खुशामद भी करदे ने, क्यों झूठियां तरीफां भी करदे ने। एक हुंदी सच्ची तरीफ ते बाद बंदे फिर झूठियां तरीफां भी करदे ने, ये क्यों करदे ने? भाई इनू असा चाहवांगे तो बदले च सानू कुछ होर कुछ नहीं, को नाली सोलंग दे देगा, बच्चे की कितने नौकरी लगवा देगा, वो कल थाने मुंडा फस जाता है तो छुड़वा देगा। यही मकसद होंगे ने ना, ये मकसद तो नहीं होंगे सानू नमाजी बना देगा, कभी किसी सोचा हो सानू मदरसा तमीर करवा देगा, कभी सोचा किसी ने? साड़ी मस्जिद के अंदर फलां काम होने वाले, असी सारे मिलके नु आखांगे भी तेरी असी मेहनत करते रहे, तू साड़ी मस्जिद के अंदर काम होने वाला करवा दे, कभी असी सोच रखी? हर बंदा ये सोच रखता है कि इसकी हिमायत करांगे तो बदले के अंदर असी इनू चाहवांगे, ये बदले के अंदर सानू कुछ ना कुछ। अच्छा फिर इंज भी हुंदा है कि उस बंदे नू असां प्रोटोकॉल दिता, वह विन कर गया, इलेक्शन जित गया, जदों वो मैदान के अंदर आया, पार्लीमेंट के अंदर पहुंचया, वजीर बन गया, मुशीर बन गया, कुछ भी बन गया, एन मुमकिन है कि जदों वो वजीर मशीर बन जाए साड़ी गल ही ना सुने, और इंज हुंदा भी है, हुंदा है कि नहीं हुंदा? एन मुमकिन है साड़ी गल ही ना सुने, आके तुसी कौन, पहले तो नाम तो जानता सी लेकिन हुण जदों उहदे कोल गया ना कि यार मैं नहीं जानता कित्थों है, एन मुमकिन है वह सानू भुल जाए, लेकिन आओ आमिना दे लाल वल चलीए, आमिना दे लाल नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहद्दिस अलीपुरी दे नाना जान हजरत सैयदना इमाम अंबिया अलैहि सलातो व तस्लीम दी जात अकदस ओ जात खुदा दी कसम, असा उन्हां दा जिक्र शक दी बिना ते नहीं करदे, उन्हां दी चाहत दिलां दे अंदर शक दी बिना ते असा नहीं रखदे, असानू यकीन और पक है कि जिस जिसने भी महबूब करीम अलैहि सलातो व तस्लीम नाल प्यार कीता दुनिया ते भी खैरात मिली है, क्यामत वाले दिन भी खैरात उन्हां नूं मिली है। और तवज्जो करना, नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम जदों मेराज दी रात आसमाना ते तशरीफ लेके गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया महबूबा
कुल्लू घुमियत लुबू न रिदा ई सोने सारी दुनिया चाहती है के परवरदिगार तू राजी हो जा। सारी दुनिया की चाहती है अल्लाह। तिलावत करने वाला कुरान दा कारी कुरान क्यों पढ़ता है? अल्लाह। नमाज पढ़ने वाला नमाजी अल्लाह अकबर कह के वजू करके मस्जिद के अंदर आके नमाज क्यों पढ़ता है? कि अल्लाह। कुरान हिफज करने वाला कुरान दा हाफिज क्यों बनता है? कि अल्लाह। दरसे निजामी 8 साल 10 साल मेहनत करने वाला मदरसे के अंदर खुश्क रोटियां खा के इल्मे दीन हासिल करने वाला तकलीफां ते धक्के बर्दाश्त करने वाला सारे साल 10 साल तकलीफां क्यों बर्दाश्त कर दे? अल्लाह। भाई जकात देने वाला अपने माल चो 2.5% जकात क्यों दिंदा है? कि अल्लाह। नबी करीम अलैहि सलाम दे गुलामों आदम अलैहि सलाम दी यही मर्जी सी कि अल्लाह तू राजी हो जा। नूह अलैहि सलाम दी सारी जिंदगी तबलीग फरमाई मर्जी यही कि अल्लाह तू राजी हो जा। इदरील अलैहि सलाम ने सारी जिंदगी तबलीग फरमाई परपज इक्को ही मकसद इक्को ही कि अल्लाह। मूसा अलैहि सलाम ने फिरौन दियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां अपने वतन नू छोड़िया दूसरे जगह ते तशरीफ लेके गए तकलीफां बर्दाश्त कीतियां मकसद इक्को ही सी अल्लाह तू राजी हो जा। हजरत सईदना ईसा अलैहि सलाम दी यही मर्जी सी अल्लाह तू राजी हो जा। सईदना सिद्दीक अकबर दी यही मर्जी अल्लाह तू राजी हो जा। सईदना उस्मान दी मर्जी अल्लाह तू राजी हो जा। सईदना फारूक आजम ते मौला अली हैदर करार दी यही मर्जी सी अल्लाह तू राजी हो जा। लेकिन जदो आई मेराज वाली रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब अलैहि सलाम नु इरशाद फरमाया कुल्लु हुम यतलुबूना रिदाई सोनिया आदम अलैहि सलाम तो लेके क्यामत तक आने वाला हर बंदा यही चाहता है अल्लाह तू राजी हो जा। ए महबूब सुन मैं तेरा रब की चाहना वा इस खुदाई दा खुदा की चाहता है इस जमीन दा मालिक की चाहता है आसमान दा मालिक की चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल्लुहुम यतलुबून रिदाई व अना अतलुबु रिदाक या मुहम्मद सोनिया सारी दुनिया चाहती है अल्लाह तू राजी हो जा। मैं तेरा परवरदिगार चाहना मुस्तफा तू राजी हो जा। मैं चाहना मुस्तफा तू राजी हो जा। इसका तर्जमा किया बरेली दे इमाम ने इमाम मोहम्मद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इश्के मुस्तफा दा कुश्ता है इश्के रिसालत। आपने कलम उठाया थे फरमाने ने खुदा की रजा चाहते हैं। अब बोलिए किसी आम दा लिखिया कलाम भी नहीं ते जिन्हां दी बारगाह च नजराना पेश किया जा रहा आम बारगाह नहीं इमामुल अंबिया दी बारगाह है। खुदा की रजा चाहते हैं और खुदा चाहता है रजाए मुहम्मद खुदा चाहता है रजाए। सारी दुनिया ये चाहती है परवरदिगार तू राजी हो जा। अल्लाह फरमांदा है खुदा चाहता है रजाए मुहम्मद खुदा चाहता है रजाए। और तवज्जो करना मेरा रब रजाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी व बारक वसल्लम किवें चाहता है? नबी करीम अलैहि सलातो व तस्लीम पहले पहले बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा वल मुंह करके नमाज पढ़िया करते सन। किधर मुंह करके जी? दुआ करो अल्लाह करीम सानू हिम्मत जज्बा तमाम मुसलमानों को अता फरमाए कि असा मस्जिदों मस्जिद अक्सा नू यहूदीयत दे कोलों आज़ाद करवा सकीए। मस्जिद अक्सा वल मुंह करके नमाज पढ़ते सन यहूदियां मारिया ताना। मैं जिथे भी गुफ्तगू की यह गल मैं लाजमी की है जड़ा अपना होंदा है वह ताने नहीं दिंदा ते जड़ा ताना देवे वह अपना नहीं होंदा। यहूदियां मारिया ताना उन्हें आख्या मजहब भी नवा इस्लाम नबी भी नवा
किताब यानी कुरान किताब भी नवी, तो किबला उही साढ़े वाला पुराना, किबला भी नवा लेके आओ। नबी करीम अलैहि सलातो व तस्लीम एक मकाम ते खड़े होके नमाज अदा फरमा रहे सन। मेरे रब की मर्जी जदों महबूब के दिल च ख्याल पैदा कर दे, नमाज अदा फरमा रहे सन। दो रकत नमाज पढ़ ली ते दो बाकी सी। ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे दिले अकदस दे अंदर ख्याल पैदा होया किदों, नमाज दे दौरान। किदों पैदा होया बोलिए, किदों पैदा होया जी? नमाज दे दौरान पैदा होया ख्याल। की ख्याल पैदा होया? तकलीफ हुई ना कि यहूदियां ताना मारे, उन नमाज दे दौरान ये ख्याल पैदा हो गया कि साडा किबला मस्जिद अक्सा नहीं बल्कि मस्जिद हराम होना चाहिए, बैतुल्ला शरीफ होना चाहिए। इधर दिले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दे अंदर ख्याल पैदा होया, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान दी आयत नाजिल फरमा दी थी। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्रील अर्ज की थी, या रब्बे जलील हुक्म, फरमाया महबूब दे कोल कुरान दी ए आया करीमा ले जा, वही ले जा। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, असी तुहाडा चेहरा आसमाना वल बार बार उठदा वेख रहे हां। आसमाना वल हुजूर ने इंज मुखड़ा उठाया किदों? नमाज पढ़न दे दौरान। किदों? नमाज पढ़द्या वेले मुखड़ा उठाया, या अल्लाह किबला मस्जिद अक्सा नहीं मस्जिद हराम होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, सुनिया असा तेरा चेहरा बार 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 आसमाना वल उठदा वेख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, सुनिया परेशान क्यों होना है, असा तेरा किबला उही बना देना है जेड़ा तेरी मर्जी है। किबला उही बनाना है जेड़ा, बोलिए जेड़ा। और क्यों ना साड़िया चाहता उना दे नाल हो जान जिन्हां दे चाण नाल रब किबले तब्दील फरमांदा है। क्यों ना साड़ी मुहब्बत दा मरकज दुनियादारा नू छोड़ के आम इन्हां दे लाल बन जान जिन्हां दे चाण नाल रब किबला तब्दील फरमांदा है। क्यों ना साड़ी उल्फत प्यार दा ते साड़ा आइडियल नमूना इमाम उलंबिया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जान। अज साडे नौजवानों के आइडियल नमूना अदाकार ने, फिल्मी एक्टर नौजवानों के आइडियल नमूना बन गए पसंदीदा। उन्होंने पसंद करके अपनी जिंदगी उन्होंने मुताबिक ढालन की कोशिश की थी। ए नौजवान खुदा की इज्जत की कसम है, किसी फिल्मी एक्टर की जिंदगी के अंदर तेन खैर नज़र नहीं आएगी, किसी अदाकार की जिंदगी के अंदर खैर नज़र नहीं आएगी। इमाम उलंबिया अलैहि सलातो वसलाम की अमली जिंदगी के अंदर, आप दी तमाम हयात तय्यबा के अंदर, तेरी जम तेरे पैदा होने तो लैके मरण तक, मरण तो लैके क्यामत वाले दिन तक भलाइया ही भलाइया नज़र आनगियां। क्यों ना उन्होंने आइडियल नमूना बना लीए जिन्हों के चाण दे रब किबले तब्दील फरमांदा है। फरमाया महबूब परेशान क्यों होना है, तेरे चाँ तेरी मर्जी जिहड़ी है उही असी किबला बना देंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फवल्ली वजहका शत्वरल मस्जिदिल हराम, सोनिया इंज कर हुणी अपना मूँह उधर फेर लै, असा तेरा किबला मस्जिद हराम नू बना छड़िया है। हुण पढ़ो इत्थे, खुदा चाहता है रज़ाए, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद, खुदा चाह
अज हजरत मुहद्दस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह दे उर्स ते इन्ना रश क्यों होया, वजह यही है कि उन्होंने मुस्तफा नू चाया ते मुस्तफा नू चाणना रब भी मर्जियां मुस्तफा दियां पूरियां फरमा देंदा, खुदा चाहता है मुहम्मद, खुदा चाहता है खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मुहम्मद, खुदा चाहता है रजाए। अच्छा हुजूर सैयदी मुहद्दस आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह आप जदों कुरान पाक की ये आया करीमा तो इसकी तफसीर बयान फरमाया करते सन, असी अपने उस्तादां दे कोलों सुनिया, उन्होंने अपने वालिद बुजुर्गवार दे कोलों सुनिया, तो फरमाया करते सन अल्लाह दे बंदे हो, जिस वेले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जिबरील अलैहिस सलाम नूं बिठे उपर जाके नूं चुप कराउणा चाहुंदा जाए, जनाब जिबराइल अला नबीना व अलैहिस सलातु व सलाम नूं बुलवाया होएगा और हुक्म फरमाया होएगा, जिबरील मेरे यार ने नमाज दे अंदर किबला तब्दील करन दी ख्वाहिश दा इजहार कीता है, तमन्ना कीती है ते असी किबला तब्दील करना है, ए कुरान दी आया करीमा लै जा ते महबूब नू कह दे अपना किबला तब्दील फरमा लो। अच्छा तवज्जो है, हुजूर सैयदी मुहद्दस आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सरदार अहमद साहेब जिन्हों का जंग बाजार के अंदर मज़ार मुबारक मौजूद है, आप फरमाते हैं अल्लाह के बंदे जिबरील अगे आख्या होएगा या अल्लाह इन्नी देर हो गई है, पहले भी तो मस्जिद अक्सा वल मूँह करके तेरा महबूब नमाज पढ़ता रहा है, तो महबूब न यह जी नमाज है यह तो कंप्लीट कर लैन दे या अल्लाह, पूरी महबूब नमाज कर लवे तो फिर इन्ह का किबला भी तब्दील फरमा देना। अल्लाह ने फरमाया होगा जिबरील नहीं नहीं मेरे यार ने ख्वाहिश की है नमाज दे विच, कितों की है नमाज दे विच, असा देर नहीं लानी महबूब दी तमन्ना और ख्वाहिश असा नमाज दे विच ही पूरी करनी है, असी किबला बाद इच लेट तब्दील नहीं करना, महबूब ने नमाज दे विच तमन्ना की थी कि या अल्लाह मेरा किबला मस्जिद अक्सा नहीं मस्जिद हराम होवे, देर ते करनी नहीं, महबूब दी ख्वाहिश नू नमाज दे विच ही पूरा करना। नौजवानों क्यों ना असा उस शख्सियत नू अपना आइडियल नमूना बनाइए कि जिन्हां दे नमाज दे अंदर चाण नाल रब नमाज दे विच ही किबला तब्दील फरमा दिंदा है, किसी होर दी गल च शक हो सकता है पर महबूब दी चाहत दे अंदर रब्बे काबा दी कसम शक हो सकता। अच्छा अगली बात, नबी पाक साहिब-ए-लुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम सफ़र फरमा रहे सन, दौरान सफ़र सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहि मजमईन और हुजूर अलैहि सलातु व तस्लीम ने एक मकाम आया, आप तशरीफ़ फरमा हुए, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु वकर्रम अल्लाह वजहुल करीम आपको किसी साइड पर भेज दिता गया कम वास्ते, और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दीगर सहाबा इकराम ने नमाज असर अदा फरमा ली, हज़रत अली कम करके वापस आए, इमामुल अंबिया ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली नू बुलवाया, बुलवा के हज़रत अली दी गोद दे अंदर अपना सरे मुबारक सरे अनवर ओ सरे अनवर और ओ चेहरा जिस दे बारे रब फरमांदे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, सोने तेरे मुखड़े अनवर दी कसम है, उस चेहरे अकदस नू जनाब मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दी गोद दे अंदर रखिया है, ते वाली ये मुखड़ा होवे जिन्हू वेखण वास्ते जिन्हू तकण वास्ते दुनिया दे बड़े बड़े तरस दे टुर गए, अली ये चेहरा ओ है जिस दियां कसमां रब कुरान विच इरशाद फरमांदा है, ये चेहरा ओ है जिसनू खुद इमाम अंबिया अलैहि सलाम ने फरमाया मेरा हुसन हुसन है नमकीन है और मेरे वीर यूसुफ दा हुसन मिठा हुसन है, जिन्हें जनाबे यूसुफ नू तकिया और रज गया
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਰਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਨਮਕ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਉਸਨੇ ਨਮਕੀਨ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰ ਤੱਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਅਲੀ ਦੇ ਚ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਦਸ ਰੱਖਿਆ, ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਗਏ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਅੱਖਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ, ਇਹ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਤਸਲੀਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਰੁਖ ਮੁਸਤਫਾ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਉਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਾਲੇ ਤੇ ਮਾਬ ਸੱਲ ਸੱਲਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਤੇਰਾ ਗਰ ਨਾ ਹੋ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਾ ਇਮਾਮ, ਮੇਰਾ ਕਿਆਮ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਮੇਰੇ ਸੁਜੂਦ ਵੀ ਹਿਜਾਬ। ਨਮਾਜ਼ ਉਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲ ਸੱਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਰੁਖੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵੱਲ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਇਬਾਦਤ ਖੁਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮੁਸਤਫਾ 'ਚ ਖਲਲ ਆਏਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਸੇ ਇਸੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਆਂਸੂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਲਗਾਓ ਹਾਂ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਆਪ ਦੇ ਸੀਰਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਾ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ, ਸਈਦੁਨਾ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਉਸ 100 ਦੇਗ ਪੱਕੀ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਔਰ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਈਦੁਨਾ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਈਦੁਨਾ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੈਰਾਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈ, ਨਾ ਵੀ ਪਕਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਏ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਏ ਅਤੇ ਆਂਸੂ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਗਿਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੈਸਟਕੋਟ 'ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਮੀਜ਼ 'ਤੇ ਗਿਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਫਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਆਂਸੂ ਗਿਰੇ ਤਾਂ ਰੁਖੇ ਮੁਸਤਫਾ 'ਤੇ ਆਏ, ਰੁਖੇ ਮੁਸਤਫਾ 'ਤੇ ਆਂਸੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਂਸੂ ਗਿਰੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੁਖੇ ਮੁਸਤਫਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਤਸਲੀਮ ਬੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਨਮਕੀਨ ਨਮਕੀਨ ਤੋਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਆਂਸੂ ਰੁਖੇ ਮੁਸਤਫਾ 'ਤੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਤਸਲੀਮ ਬੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾ ਯੁਬ ਕੀ ਕਾ ਯਾ ਅਲੀ, ਜੋ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਰੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਵੀਰ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਗਰੂਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਜਦਾਨ ਤੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਜੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ,
अली नमाज कजा करके पढ़ लेते, मौला अली ने जवाब दिता होगा सोने नमाज अली नू कजा करन दी आदत ही नहीं, अली नू नमाज कजा करन दी आदत ही नहीं। इमामुल अंबिया अलैहि सलाम ने फिर ये नहीं फरमाया अली मैं की कर सकना, क्योंकि हुजूर भी जानते ने अल्लाह ने अपनी अता नाल मैनू इख्तियारात नाल नवाजिया है, और अली भी जानते ने अल्लाह ने महबूब अलैहि सलाम नू इख्तियारात नाल नवाजे। जनाबे अली रजी अल्लाह तआला खुद ही नमाज कदा हुई। इमाम हाकिम ने इस हदीस नू मुस्तदरक अल सहीहैन दे अंदर इस हदीस नू नकल फरमाया, बहुत सारे और मुहद्दिसीन ने इस हदीस नू नकल फरमाया, बल्कि अल्लामा वहीदुज़्ज़मा गैर मुकल्लदीन हजरात दे पेशवा उन्होंने भी अपनी किताब लुगातुल हदीस के अंदर इस हदीस नू नकल फरमाया। इमामुल अंबिया अलैहि सलाम ने यदुल्लाही फौकाइदी वाले गोरे गोरे हाथ उठा दिते, हुजूर ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताते का व ताते रसूले का, ए अल्लाह अली तेरी इताद करदा रहे, तेरे नबी दी इताद तेरे रसूल दी इताद करदा रहे, फरदुद अलैहि शमसा या अल्लाह अपने अली वास्ते मेरे अली वास्ते सूरज नू मकामे असर ते वापस पलटा दे। सूरज नू बोलिए सूरज नू वापस पलटा दे, ये हाथ तेरे मेरे नहीं। अज दे किसे शेखुल हदीस, किसे पीर, किसे शेखुल कुरान दे नहीं, किसे मौलवी दे नहीं, बल्कि वो हाथ ने जदों भी उठे ने कुछ ना कुछ अल्लाह ने अता कीता है। वो हाथ ने जदों उठे ने ते अल्लाह ने मैदाने बदर दे अंदर फतह नुसरत 313 नू अता फरमाई। ए हाथ उठे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज नू मकामे असर ते वापस पलटाया। जनाबे अली ने अपनी नमाज वक्त ते अदा की थी। आला हजरत बोले खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं। किबला क्यों तब्दील होया, सूरज वापस क्यों पलट के आया, एक ही वजह के खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद, खुदा चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों ना मैं भी तुसा भी बुजुर्ग भी नौजवान भी अजीज बच्चे भी साड़ियाँ मामा बहना बेटियाँ भी उस हस्ती नू अपना आइडियल बनाइए, उस हस्ती नू अपने प्यार मुहब्बत और उल्फत दा और इश्क दा मरकज़ बनाइए कि जिन्हां दे चाण नल रब किबला तब्दील फरमांदे हैं। कुरान है ना फवल्ली वजहा का शतरल मस्जिद हराम, सोनिया देर ना ला हुने ही अपना मुंह मस्जिद हराम वाल फेर ले। क्यों ना उस हस्ती नू आइडियल नमूना बनाइए जिन्हां दे चाण नल रब ने सूरज नू रब ने किने अल्लाह ने किसने अल्लाह ने अल्लाह ने जिन्हां दे चाण नल मकाम मगरिब तो सूरज नू वापस मकाम असर ते पलटा दिता। याद रखना जिस इंसान ने भी रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू छोड़ के किसी और नू अपना आइडियल नमूना बनाया वो दुनिया ते जलील और रुसवा होया है, क्योंकि मेरे हुजूर फरमांदे ने ला युमीनू, बुखारी और मुस्लिम दी मुतफक्का ले हदीस पाक है, हुजूर फरमांदे ने ला युमीनू अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैही मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। फरमा कोई भी बंदा उन्नी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जितनी देर तक उस दे आइज़ाओ अकरबा तो ज़्यादा, उस दे वालिदैन तो ज़्यादा, औलाद तो ज़्यादा, हत्ता के उस दी जान तो ज़्यादा मैं मुहम्मद उसनू प्यारा ना हो जावा उतनी देर तक कोई हो सकता। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने गल ही मुका दी, फरमांदे ने की मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, की मुहम्मद से वफात हुई तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोग कलम भी तेरे हैं। वमा अलैया इल्ला